देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गंभीर हालात महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। वैसे एक दिन की राहत के बाद वापस से महाराष्ट्र में केस बढ़ गए हैं। कल जबकि सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6,397 नए मामले सामने आए थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में 5 दिन 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,863 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,69,330 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महामारी से 54 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 52,238 हो गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोविड 19 के मरीजों के ठीक होने की दर 93.89% है और मृत्यु दर 2.41% है। राज्य में अभी 79,093 मरीज उपचाराधीन है। मुंबई में संक्रमण के 849 नए मामले सामने आए, जिसके बाद शहर में कुल मामले बढ़कर 3,27,621 हो गए हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।